इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है तथा इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है। मोबाइल कंप्यूटिंग दोस्तों जो मोबाइल कंप्यूटिंग होती है इसमें यूजर्स मोबाइल या किसी अन्य वायरलेस डिवाइस का यूज करते हुए किसी डेटा वॉइस या वीडियो का ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, यूजर क्या करता है, ठीक है, मोबाइल या कोई वायरलेस डिवाइस का यूज करते हुए। वायरलेस डिवाइस क्या होता है, जिसमें हम वायर का यूज नहीं करते। ठीक है, यूजर क्या करता है, कोई मोबाइल या वायरलेस डिवाइस का यूज करते हुए कोई डेटा हो गया, ठीक है, डेटा हो गया या फिर वॉइस हो गया या फिर वीडियो हो गया। ठीक है, डेटा वॉइस या वीडियो का ट्रांसमिशन करता है। ट्रांसमिशन करता है, ठीक है, क्या करता है, डेटा वॉइस या वीडियो का ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसमें यूजर मोबाइल या कोई वायरलेस डिवाइस का यूज करते हुए किसी भी डेटा या वॉइस या वीडियो का ट्रांसमिशन करता है, वही क्या कहलाता है, मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो मोबाइल कंप्यूटिंग होती है वो केवल मोबाइल तक ही सीमित नहीं होती। ठीक है, वो केवल मोबाइल तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो मोबाइल कंप्यूटिंग है वो केवल मोबाइल तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें हर उस डिवाइस को शामिल किया जाता है जो मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें हर उस डिवाइस को इंक्लूड किया जाता है जो मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सा है जो मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। दोस्तों वो है कंप्यूटर हो गया या फिर लैपटॉप हो गया या फिर स्मार्ट वॉच हो गया। स्मार्ट वॉच, ये सभी चीज मोबिलिटी को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जो मोबाइल कंप्यूटिंग होती है वो केवल मोबाइल तक ही सीमित नहीं होती, इसमें उन सारे चीजों को इंक्लूड किया जाता है जो मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है, या लैपटॉप या फिर स्मार्ट वॉच, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है। दोस्तों अगर हम मोबाइल कंप्यूटिंग के कंसेप्ट के बारे में बात करें तो जो मोबाइल कंप्यूटिंग है इसके मुख्य रूप से तीन कंसेप्ट है। अब कौन कौन से तीन कंसेप्ट है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन। सेकंड क्या है, मोबाइल हार्डवेयर। और थर्ड क्या है, मोबाइल सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से मोबाइल कंप्यूटिंग के मुख्य रूप से तीन कंसेप्ट है। पहला क्या है, पहला है मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन। सेकंड है मोबाइल हार्डवेयर। सेकंड क्या है, मोबाइल हार्डवेयर। और थर्ड कंसेप्ट है वो है मोबाइल सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से अगर हम मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो इसके मुख्य रूप से तीन कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन, कंसेप्ट नंबर सेकंड मोबाइल हार्डवेयर, और थर्ड कंसेप्ट है मोबाइल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम इन तीनों कंसेप्ट को एक एक करके समझते हैं। पहला है मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है पहला, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। फर्स्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन। अब मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, जो मोबाइल कम्युनिकेशन है इससे इसका संबंध एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर से है
जिसमें हम किसी भी डाटा को रिलायबल एवं बाधा रहित कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, जो मोबाइल कम्युनिकेशन है ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम किसी भी, ठीक है, किसी भी डेटा को रिलायबल, ठीक है, पहला क्या है रिलायबल एंड सेकंड क्या है बाधा रहित, ठीक है, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में कह सकते हैं कोलिजन। ठीक है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन होती है उसका तात्पर्य ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से है जिसमें हम किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं रिलायबल एंड बाधा रहित कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वही क्या कहलाती है मोबाइल कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होती है, मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है या मोबाइल कम्युनिकेशन का तात्पर्य ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर से है जिसमें हम किसी भी डेटा को रिलायबल एवं बाधा रहित तो उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत, ठीक है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं, प्रोटोकॉल्स हो गया, बैंडविथ, पोर्टल्स, ये सब मोबाइल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, प्रोटोकॉल, बैंडविथ, पोर्टल्स, ये सब मोबाइल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन है इसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। कौन से वेव्स का यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है जिसमें किसी भी सिग्नल को एयर के माध्यम से सेंडिंग एवं रिसीविंग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किसका यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है जिसमें किसी भी सिग्नल को एयर का यूज करते हुए सेंडिंग एंड रिसीविंग किया जाता है, ठीक है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, ठीक है, इसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है जिसमें किसी भी सिग्नल को एयर का यूज करते हुए या एयर के माध्यम से क्या किया जाता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग किया जाता है। दोस्तों, जो मोबाइल कंप्यूटिंग है उसका सेकंड कॉन्सेप्ट है मोबाइल हार्डवेयर, ठीक है। अब दोस्तों, ये मोबाइल हार्डवेयर क्या होते हैं, जो मोबाइल हार्डवेयर है उसका तात्पर्य है या मोबाइल हार्डवेयर से तात्पर्य है उन डिवाइस से है, ठीक है, जो मोबिलिटी को रिसीव करती है या मोबिलिटी को रिसीव या एक्सेस करती है। ठीक है, मोबाइल हार्डवेयर से तात्पर्य उन डिवाइस से है जो मोबिलिटी को रिसीव या एक्सेस कर सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, टैबलेट, ठीक है, जो मोबाइल हार्डवेयर है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मोबाइल हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जो कि मोबाइल कंप्यूटिंग के सेकंड कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, ये जो मोबाइल हार्डवेयर होती है ये फुल ड्यूप्लेक्स पर वर्क करती है, किस पे, फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, दोनों साइड से सेंडर और रिसीवर दोनों साइड से क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप के अंदर हम क्या कर लेते हैं, वीडियो कॉल, ठीक है, वीडियो कॉल कर लेते हैं,
वीडियो कॉल में हम दोनों साइड से, ठीक है, जो वीडियो कॉल होती है उसमें हम दोनों साइड से डेटा का सेंडिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उस डेटा का रिसीविंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो मोबाइल कंप्यूटिंग है इसका थर्ड कॉन्सेप्ट है मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल कंप्यूटिंग का थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? मोबाइल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या होती है? मोबाइल सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कि कंप्यूटर के या जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसको रन करने का काम करते हैं, ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? जो हार्डवेयर पार्ट है, मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसको रन करने का काम करते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स को रन करने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पार्ट्स को रन करने का काम करता है, ठीक है, कौन? मोबाइल सॉफ्टवेयर। और इसके अंतर्गत क्या आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी मीडिया को या फिर आप लोगों को देखा होगा रिकॉर्ड हो गया, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इन सारे चीजों को चलाने का काम करती है, कौन? मोबाइल सॉफ्टवेयर, ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर का तात्पर्य है, जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है वो क्या करती है, किसी भी सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स को चलाने की जिम्मेदारी लेती है या उस सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स को रन करने का काम करती है, कौन? मोबाइल सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसको रन करने का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? मीडिया, रिकॉर्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सारी चीजों को चलाने का काम कौन करती है? मोबाइल सॉफ्टवेयर करती है। तो दोस्तों, इस तरह से आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है तथा साथ ही साथ दोस्तों जो मोबाइल कंप्यूटिंग है इसके कौन कौन से कंसेप्ट है और इन सारे कंसेप्ट को हमने एक एक करके डिटेल से जाना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।